नगर निगम के कांग्रेसी पार्षदों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। आयुक्त के लंबे समय से छुट्टी पर होने की वजह से नहीं हो पा रहे कांग्रेसी पार्षदों के लंबित काम। अजमेर नगर निगम में चुनकर आए कांग्रेसी पार्षदों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेसी पार्षद द्रौपदी कोहली और नरेश सत्यावना के साथ अन्य पार्षद बुधवार सुबह कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पहुंचते ही उनका सामना वहां तैनात पुलिस के साथ हो गया। पुलिसकर्मियों और पार्षदों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग और भीड़ के मुद्दे पर बहस हो गई। दो आदमी अलाउ है मैडम, मैं अलाउ की बात नहीं कर रही हूँ। एक मिनट, मेरी बात सुनिए। आपने अभी कलेक्टर साहब ने, इसके बाद पांच पार्षदों के प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नगर निगम प्रशासन को पार्षदों के लंबित कामों को जल्द पूरा करवाने हेतु निर्देशित करने की मांग की। कोहली ने बताया कि नगर निगम कमिश्नर डॉक्टर खुशाल यादव पिछले 15 दिन से अवकाश पर हैं, वहीं अब 15 दिन का अवकाश और ले लिया है। बावजूद इसके उन्होंने अपना चार्ज किसी को नहीं दिया है, जिससे निगम में प्रशासनिक कार्य नहीं हो पा रहे। कोहली ने आयुक्त की शक्तियां उपायुक्त को प्रदान कर लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करवाने की मांग की है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। किस तरह की समस्या है? नगर निगम में हमारे बहुत सारे काम है, जैसे पेड़ अभी तार झूल रहे हैं, पेड़ है और रोशनी की व्यवस्था है, सफाई की व्यवस्था, कई चीज़ें हैं जो हमारे अभी कमिश्नर सर अभी छुट्टी पर है और 15 दिन से आ नहीं रहे। फिर 15 दिन की छुट्टी ले ली, ना चार्ज दिया किसी को ना कुछ, और हम परेशान हो रहे सारे पार्षद। तो आज हम कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन देना है, और मोटी सबसे बड़ी बात हमारी खाद्य सामग्री की है, जो हमने पूर्व में लेटर दिया उसका भी कोई अभी तक कुछ अता पता नहीं है। तो हमने कहा कि भाई कोविड-19 में पिछले साल भी 1-1 लाख की हमारी सामग्री बांटी थी हमारे फंड के पैसे लेकर। हमने अभी भी कहा कि भाई 1-1.5 लाख रुपये हमारे फंड में से पैसा ले लो, विकास फंड में से, और खाद्य सामग्री सभी गरीब लोगों को बांटी जा सके। तो उसके ऊपर अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ था, इसलिए हमने कलेक्टर साहब को लेटर दिया, तुरंत उसके ऊपर डिसीजन हो, जिससे कि लोगों को हम खाद्य सामग्री बांट सके, लोगों को कुछ राहत दे सके। और इसी प्रकार से हमारे नगर निगम के काम हमने कलेक्टर साहब को कहा कि अगर कमिश्नर सर छुट्टी पर है तो उनकी पावर उपायुक्त मैडम को दी जाए, जिससे कि सुचारू रूप से नगर निगम में कार्य हो सके। पार्षद नरेश सत्यावना ने बताया कि मानसून से पहले क्षेत्र में बिजली व्यवस्था हो, पेड़ों की छगाई का काम हो या कोई और काम जो प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ा है, उस तरह के सभी काम लंबित पड़े हैं। आयुक्त लंबे समय से अवकाश पर हैं, उपायुक्त के पास पावर नहीं है, ऐसे में जिला कलेक्टर मामले में हस्तक्षेप कर पार्षदों के काम शीघ्रता से कराने के लिए निर्देशित करें, अन्यथा आंदोलन ही एकमात्र विकल्प बचेगा। आज नगर निगम के द्वारा पार्षदों के जो काम नहीं हो रहे उस संदर्भ में हमने ज्ञापन दिया है। सबसे पहली मांग जो हमारी है, पिछले समय हमने 15-20 दिन पहले पार्षद द्रौपदी जी के उसमें सब पार्षदों ने ज्ञापन दिया था 1-1 लाख रुपए की सामग्री का, सूखी सामग्री की नगर निगम से जो पिछली बार ही मिली थी, इस बार मिले, और जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनके पेट तक वो भोजन पहुँच सके, वो सामग्री पहुँच सके घर घर। तो वो अभी तक 15-20 दिन हो गए इस बात को, लेकिन इन्होंने अभी तक कोई उसके जू भी नहीं रहेंगी है, और हमारे स्थिति खराब है। ये वार्ड के लोगों की, गरीब लोगों का वार्ड है, उनको भूख से मतलब राहत नहीं मिल पा रही है। अगर थोड़ा अगर ये 1-1 लाख रुपए जो हमने मांगा है हमें तुरंत दे दें तो कम से कम राहत मिलेगी। साथ में जो हम सहयोग कर रहे हैं वो सहयोग उसके साथ सम्मिलित करके, साथ ही हमारे जो नगर सारे पार्षद कुछ भी प्रकार कर रहे हों, चाहे वो नाली के हों, चाहे क्रॉस के हों, चाहे सड़क के हों, चाहे नाले के हों, चाहे पेड़ के हों, कोई भी काम CEO साहब नहीं सुनने को तैयार हैं। कोई भी काम पार्षद लेके जाता है तो वो स्मार्ट सिटी का बहाना लगा देते हैं कि अभी स्मार्ट सिटी की मीटिंग चल रही है या स्मार्ट सिटी की मीटिंग का टाइम हो रहा है, बस वही काम है उनके पास। बाकी अगर कोई पार्षद जरा सा भी अगर कुत्ते जी तुमसे बोलता है तो उनके पास दूसरी तरह की कार्रवाई करना चालू कर देते हैं ये लोग। तो निवेदन ये है कि काम करें पार्षदों का, नहीं तो फिर आंदोलन कराया जाएगा, धरना दिया जाएगा।